गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू नाउन एंड द केस. बच्चों, आज हम तुम सभी लोगों को केस के बारे में जानकारी देंगे. जैसा कि तुमको मालूम होगा कि केस का अर्थ होता है कारक. तो बच्चों, कारक भी जो होते हैं वह चार प्रकार के होते हैं. पहला जो होता है वह होता है नॉमिनेटिव केस. बच्चों, जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आता है तो उस नाउन और प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है. जैसे सीता टेल्स ए स्टोरी, आई प्ले हॉकी. बच्चों, यहाँ पर सीता और आई जो है वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए सीता और आई आपका नॉमिनेटिव केस हो गया. ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस. द नाउन और प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस. नेक्स्ट जो होता है कारक का, केस का जो काइंड्स होता है वह ऑब्जेक्टिव केस होता है. बच्चों, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तब उस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है. ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस. जैसे सी टीचेज मी, आई लाइक यू. यहाँ पर बच्चों मी और यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यह जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है. ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस. ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्टिव केस. उसके बाद में नेक्स्ट जो नंबर है बच्चों वह है आपका नेक्स्ट नंबर आपको है पोसेसिव केस. पोसेसिव केस किसे कहते हैं इसके बारे में आपको जानना चाहिए. पोसेसिव केस के बारे में आपको जानना चाहिए. तो बच्चों, पोसेसिव केस वह केस होता है जो संबंध बताता है. पोसेसिव केस व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ और पोसेशन ऑन अनदर नाउन. जब एक नाउन दूसरे नाउन से अधिकार बताता है तो उसको जो है पोसेसिव केस और हिंदी में संबंध कारक कहते हैं. जैसे दिस इज मोहन्स बुक. बच्चों, यहाँ पर जो है मोहन्स बुक, मोहन की किताब संबंध बता रहा है. दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल. ये टेबल के पैर हैं. द लेग्स ऑफ द टेबल, ये आपका हो गया पोसेसिव केस. शी इज हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी है. तो जो वाक आप देख रहे हैं, मोहन्स हो गया, द लेग्स ऑफ हो गया, उसके बाद में हिज हो गया, ये सभी जो हैं आपका पोसेसिव केस के उदाहरण है. और नेक्स्ट जो होता है वोकेटिव केस, जिसका हिंदी में होता है संबोधन कारक. जैसे जब हम किसी
नाउन का प्रयोग संबोधन या पुकारने के अर्थ में करते हैं तो उसको वोकेटिव केस कहा जाता है। जैसे कम हेयर मुकेश, आर यू गोइंग ब्रदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुकेश और ब्रदर जो है आपको कॉलिंग के लिए या उसको इंडिकेट करके कहा जा रहा है, तो इस प्रकार के नाउन का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है केस के चार भेद होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकेटिव केस। तो अब आपका कार्य है कि नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस के बारे में लिखें। आपको बताना होगा कि इसमें कौन जो है शब्द नॉमिनेटिव है, कौन ऑब्जेक्टिव है, कौन पोसेसिव है और कौन वोकेटिव है। तो लिखिए, मोहन टेल्स ए स्टोरी, आई हेल्प गीता, आई हेल्प गीता, दिस इज हरीज पेन, दिस इज हरीज पेन, गो देयर संजय, आर यू कमिंग ब्रदर, आर यू कमिंग ब्रदर। उसके बाद में लिखे, द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, दिस इज हिज बुक, मोहन लाइक्स यू, गो देयर पंकज, सी बाउट ए कार, दीज आर माई पेंस, दिस इज हिज टॉयज, कम हेयर सुनील। इसमें आपको यह बताना होगा कि कौन सा नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है, किसका ऑब्जेक्टिव में हुआ है, किसका पोसेसिव में हुआ है और किसका वोकेटिव केस में हुआ है। उसके बाद आपको इसके प्रयोग के बारे में जानिए। तो सबसे पहले होता है कि निर्जीव पदार्थ के साथ एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे स्प्रिंग्स फ्लावर, यहाँ पर इसका सही होगा द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। इसी तरह से कुछ शब्द आप लोगों को नोट करना है और उसको सही सही बनाना है। द हाउसेज रूफ, द वॉल्स पेंटिंग, द बिल्डिंग्स डेकोरेशन, द बिल्डिंग डेकोरेशन, द टेबल्स लेग, द हाउसेज डोर। उसके बाद में समर्स फ्लावर्स, ग्लासेज बॉटम, दैट वेल्स वाटर, दिस बुक्स रूल्स। इन सभी को आपको सही सही बनाना होगा। और उसके बाद में आप लोगों को इस पर फिर हम विशेष आगे बताएंगे, और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिसको कि एपेस्ट्रोफिस बनाया जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है, तो इस पर हम चर्चा
अगले दिन और अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू।